खड़गे साहब एलओपी बन के आए, एलओपी बनने से पहले आए राज्यसभा में, एक दिन देखा मेरी सीट के पीछे वाली सीट पे एक सज्जन को मैंने धोती कुर्ते में, और धोती कुर्ते में लोग आजकल कम दिखते हैं, वो पौध ही लगभग खत्म हो गई है, तो मैंने उन्हें देखा और फिर मेरे मन में भी था कि जब ये एलओपी बने तो कैसे मामला होगा। वन थिंग आई मस्ट टेल यू, मेनी ऑफ अस हु स्पीक अबाउट डेमोक्रेसी, इन आवर पर्सनल लाइव्स वी डोंट प्रैक्टिस डेमोक्रेसी इन आवर एवरीडे लाइफ। सो व्हेन आई मेट वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, वो 10 बजे एक मीटिंग होती है, 10 बजे लीडर ऑफ पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रेटजी की मीटिंग हम लोग कहते हैं उसको। इस व्यक्ति में मैंने एक खास चीज देखी जो मेरे अनुभव में नया था, ही वुड लिसन टू एवरी वन, एक एक व्यक्ति को। आमतौर पे मैंने एक परिपाटी देखी थी कि लोग अपनी बात रख देंगे, अब पंचों की राय अपनी जगह, खूंटा यही गड़ेगा। दिस इज समथिंग आई फाउंड फंडामेंटली डिफरेंट इन खड़गे साहब। सेकेंड, व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट हिज लाइफ मच बिफोर दिस बुक केम, and I must tell you about this book, many people have shared their experience, their ideas about Kharge ji, including ma'am Sonia ji, but one thing which is common thread about everyone is his commitment to justice, equality, freedom, idea of freedom, and these are not merely academic commitment. It emanates from lived reality, from his experience of last 5 decades. 5 दशक बहुत बड़े होते हैं, और अगर मैं सच कहूं खड़गे साहब, तो आपकी जिंदगी की यात्रा और हमारे गणतंत्र की यात्रा काफी हद तक समानांतर है। Marking the 80th anniversary of Kharge saab and also 50 years of his political life. But actually I think 50 years of his political life is a misnomer, because it's 50 years of electoral politics that he's coming to. He was elected 50 years ago, first time. He's been in politics much earlier before that, because I was a student in Hyderabad and part of the same Nizam, Hyderabad, Nizam, Karnataka, Hyderabad, Karnataka. And that we've been through in our childhood, we heard a lot of these stories about the atrocities that were committed by the Razakars. And later, Kharge साहब ने हमको बताया था। आपने तो कहा कि मनोज जी साहब बोलने के बाद सबकी बोलती बंद हो जाती है, और अब आप हमें उसके बाद ही बुलाए आप। तो आप ये वहाँ पर बहुत अत्याचारों के बारे में सुनते थे रजाकारों के, लेकिन एक दिन Kharge साहब के खुद स्वयं उनके मुंह से सुना मैं ये, उनकी वो जो गुजरा उनके साथ, जब वो इत्तेफाक से उनके पिताजी के कंधों पर बैठ के वो मार्केट पे जाते कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, वापस जब लौटते पूरा का पूरा गांव जला दिया गया रजाकर के हाथ से, कोई नहीं बचा। अब एक उस समय बच्चा, मतलब अगर जब ये देखेगा अपने खुद की आंखों से, जिंदगी भर ये नफरत भरी होनी चाहिए उनकी। लेकिन सबसे बड़ा मैं समझता हूँ क्वालिटी जो Kharge साहब के अंदर है, कि नफरत की नामो निशा उनके ज़िंदगी और उनके काम में नहीं है, और ये हम समझते हैं कि बहुत बड़ी एक व्यवहारिक एक बहुत बड़ी व्यवहारिक उपलब्धि है, और वो तभी आता है व्हेन यू हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर।